पाटीदार आंदोलन के नेता और हाल में कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले हार्दिक पटेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक से इनकार कर दिया और उन्हें चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी है। आपको बता दें कि तोड़फोड़ के एक मामले में निचली अदालत ने हार्दिक पटेल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी कोर्ट में आज सुनवाई की गई। कोर्ट में याचिका इसीलिए दायर की गई थी ताकि हार्दिक आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकें, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सजा याफ्ता होने पर अब हार्दिक के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले पाटीदार नेता गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ने वाले थे। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के मुताबिक दागी नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर कानून पहले से मौजूद है, जिसमें सजा के बाद 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। इसी कानून के चलते चारा घोटाले में दोषी पाए गए और जेल में सजा काट रहे लालू यादव पर चुनाव लड़ने से रोक लगाई गई है। हार्दिक को बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में विश्वनगर कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 17 आरोपियों में से 3 लोगों को दोषी ठहराया है, वहीं 14 लोगों को बरी कर दिया है। 2015 के इस दंगा केस में हार्दिक पटेल के अलावा लालजी पटेल को भी दोषी करार दिया गया है। महसाणा की विश्वनगर कोर्ट ने हार्दिक और लालजी पटेल को दोषी ठहराया। बता दें 2015 में बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर पर हमला हुआ था।